बिहार के छपरा में पुलिस ने एक ट्रक से 29 लोगों को पकड़ा। ये सभी लोग ट्रक में छिपकर कोलकाता से गोपालगंज जा रहे थे। इनमें कई बच्चे भी शामिल थे जिन्हें पुलिस ने ट्रक के अंदर से निकाला, जिसके बाद इन सभी लोगों को अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से ये लोग सभी लोग ट्रक में छिपकर जा रहे थे। कोरोना संकट के बीच चेक रिपब्लिक में पायलटों ने कोरोना वायरस से बचाव के काम में आने वाला सामान बांटा। वहां पर इस महामारी ने अब तक 147 लोगों की जान ले ली है, जबकि 6000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। जिसके बाद वहां के 400 पायलटों ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों की मदद करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने अपने छोटे विमानों की मदद ली और उन पिछड़े इलाकों में मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर पहुंचाने का काम शुरू किया, जहां पर लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कुल 31 छोटे विमानों में रोजाना इसी तरह ये पायलट सामान रखकर जरूरतमंदों की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस मुहिम के लिए इन पायलटों ने वहां के 200 एयरपोर्ट को चुना, जहां पर सामान उतारकर इलाके के लोगों में उसे बंटवाने का काम किया जाता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस कमिश्नर और DIG ने RAF के साथ कर्फ्यू वाले इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी कि अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा तो उस पर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगाया गया है।